देश आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 95वां जन्मदिन मना रहा है। साल 1942 में अपने संगीत के सफर को शुरू करने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर के उपलब्धियों को देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जीते जी कहानी हो जाना क्या होता है, जीते जी एक विरासत हो जाना क्या होता है, इसका जवाब सिर्फ एक प्रतिमान है और वो है लता दीदी यानी लता मंगेशकर। एक ऐसी आवाज होना जो सबके मन में बसेरा कर ले। इस आवाज ने पिछले 8 दशकों में एक अनोखी दास्तां लिखी जिसका पता नहीं कि ये कहां शुरू कहां खत्म। साल 1942 में शुरुआत तो मराठी फिल्मों से हो गई, लेकिन बड़ी सफलताओं का दौर आया और पर्दे पर गूंजा आएगा आने वाला। महल फिल्म के इस गीत ने स्वर कोकिला को स्थापित कर दिया। उनकी ये जिंदगी गीतों के इसी सफर के नाम हो गई जिसने रच दिया एक अलग ही संसार। लता मंगेशकर के नाम अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने हैं जिसने उनको मुंबईया फिल्मों से आगे बढ़कर सबका बना दिया। शास्त्रीय सुरों को साधती, सुगम संगीत के स्वरों को सवारती, लता दीदी समय और काल के बंधनों को लांघती रही। नव रसों को जैसे लता जी के गले ने अपने अंदर समा लिया, जो सरगम के रास्ते आमो खास तक इतने वर्षों तक बांधे रही। प्रेम का पावन रस जैसे उनके स्वरों में ढलकर नई पहचान पा गया हो। लता सिर्फ एक गायिका नहीं, सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि वो एक जरूरी हस्तक्षेप है क्योंकि समाज की विविधता उनके स्वरों में सब तक पहुंची। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर संगीत की दुनिया में ही पली बढ़ी, लेकिन बचपन फूलों की सेज कभी नहीं रहा। 12-13 साल की उम्र में आर्थिक बोझ ने उन्हें टूटने नहीं दिया। यही उनका हौसला था जिसने उन्हें नए दौर में भी प्रतिभा का एक पैमाना बना दिया। राष्ट्रीय पुरस्कारों और फिल्मी दुनिया के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित लता दीदी जीते जी किंवदंती बनी जिन्होंने कला की सीमाओं को देश की परिस्थितियों के साथ ओढ़ा और आवाज दी। पुलवामा की कायरता भरे हमले के बाद देश ने जब पाकिस्तान के बालाकोट में अपना शौर्य का परिचय कराया तो लता जी ने प्रधानमंत्री मोदी की कविता को अपनी आवाज दी। जया सिन्हा, TD News।